कुणाल के दिल पर है नंदिनी का कब्जा, नंदिनी के प्यार में फंस गए हैं कुणाल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीरियल सिलसिला बदलते रिश्तों का में आने वाले एपिसोड्स की, जहाँ एक तरफ मौली ने कर दी है कुणाल से फैमिली प्लानिंग की बात। मौली की इस बात को सुनकर कुणाल को हैरानी हो रही है। कुणाल के दिलो दिमाग पर छाया है नंदिनी का जादू। नंदिनी के कुछ बहुत सारे कॉल्स आते हैं मुझे, और एट द सेम टाइम मौली को भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, एंड शी इज टॉकिंग अबाउट फैमिली प्लानिंग। सो आई एम लिटिल स्टंट कि अब फैमिली प्लानिंग के बारे में कैसे सोचें, जब मैं ऑलरेडी मेरे जो झुकाव है किसी और की तरफ हो चुका है। सो कुणाल इज लिटिल कन्फ्यूज देयर। और फिर उसके बाद जैसे नंदिनी के कॉल्स आते हैं तो मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ कि इतनी रात को उसने क्यों कॉल किया। फिर मौली ने भी उसे इतने सारे कॉल्स किए हुए, आई मीन नंदिनी ने मौली को इतने सारे कॉल्स किए हुए। तो फिर देन कट टू वी शो दैट नंदिनी इज इन सम डेंजर। तो वहाँ पे फिर एक अलग ड्रामा होता है। सामने मौली है, लेकिन फिर एक बार आप जो है उसी जोन में चल रहे हैं कि अभी कुणाल को भी और कुछ नहीं दिख रहा है सिवाय नंदिनी के। उसने अपने एक सपनों का महल बना के रखा है अपने अंदर, और उसमें सिर्फ वो रोज़ी रोज़ी चीज़ें ही दिख रहे हैं कि हाँ, उसे पता है बैक ऑफ द माइंड में कि मौली है, उससे शादी हुई हुई है, एवरीथिंग, ऑल दोज थिंग्स। लेकिन जब आप किसी प्यार में अंधे हो जाते हो तो आपको सारे रॉन्ग्स भी राइट लगने लगते हैं। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग विद कुणाल एज ऑफ नाउ। वैसे सिर्फ इतना ही नहीं, इस सीरियल में आया एक और नया ट्विस्ट, जहां मौली के भाई घर लौट आए हैं, लेकिन अकेले नहीं बल्कि शादी करके। इस बात से मौली के साथ साथ घर वाले भी हैरान रह गए हैं। अब प्यार और परिवार के बीच फंसी है मौली, वहीं मौली और नंदिनी के बीच फंसे हैं कुणाल। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त आने पर ही पता चल पाएगा।